energy level and doping, and this in this lecture we will try to discuss n-type semiconductor and p-type semiconductor and how the energy level of these two are related to our subject. As it is mentioned, n-type semiconductor are those. First of all, before n-type and p-type, what is n-type and p-type? I mean, how this is different from the semiconductor that we have discussed till now. So basically, semiconductor are of two type. The first one is intrinsic semiconductor, and the second one is extrinsic semiconductor. What is difference? क्या difference है intrinsic और extrinsic semiconductor में? जैसे मैंने last lecture में कहीं ना कहीं discuss किया था कि intrinsic semiconductor वो semiconductor होते हैं जो प्योर होते हैं और जिनकी जिनको प्योर रखा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी को ऐड नहीं किया जाता है और उनको एज इट इज यूज किया जाता है। जहां जैसे बल्कि दूसरी तरफ हमारे पास दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर हैं जिनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी इम्प्यूरिटी को ऐड करके बनाते हैं। और ये हमारे पुराने सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक से कैसे डिफरेंट है, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं क्योंकि उन्हें डोपिंग को ऐड किया है। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट, अब वो जस्टिफाई कैसे होगी वो हमारे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम एन टाइप की बात करें या पी टाइप की बात करें, दोनों ही कैसे बनाए जाते हैं? ए सेमीकंडक्टर दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू ए डोपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने बताया कि कोई भी सेमीकंडक्टर जिसको डोपिंग से, जो डोपिंग प्रोसेस है जिसे गुजारा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहते हैं। एक सेमीकंडक्टर जिसको हमने डोपिंग करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है या जिसमें हमने किसी इंप्यूरिटी को ऐड कर दिया है, उस प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर न कह के क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप का भी हो सकता है, पी टाइप का भी हो सकता है। एन और पी क्या है ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर कमाइनली कहें तो बोथ एन टाइप एंड पी टाइप मटीरियल आर फॉर्मड बाय एडिंग predetermined number of impurity to the atom to the base। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में या पीछे के लेक्चर्स में पढ़ते आए, हमने बार-बार सिलिकॉन को और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह डिस्कस कर रहे थे। तो हम अगर यहां पे उसको सिलिकॉन को या जर्मेनियम को, मोस्टली बुक में आपको सिलिकॉन मिलेगा डिस्कस करने के लिए। तो अगर हम सिलिकॉन नहीं ले तो सिलिकॉन को अगर हम बेस मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें हम जो इम्प्यूरिटी डालेंगे उसको डालने के बाद जो हमारा मटेरियल बनेगा वो कहलाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये प्री डिटरमाइंड टर्म क्या है? प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है कि प्री डिटरमाइंड मतलब डिटरमाइंड हो पहले से ज्ञात क्वांटिटी में, पहले से नोन क्वांटिटी में अगर आप इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे तो ही जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारे काम का रहेगा। अदरवाइज हम अगर हम इम्प्यूरिटी को सही मात्रा में ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सेमीकंडक्टर किसी काम का नहीं होगा। आप इसका जनरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो, अगर आप चाय बनाते हो और अगर आप चाय में आपने दूध पानी और पत्ती और शुगर को अगर सही रेशियो में डाला तो ही वो चाय बन के तैयार होगी, अदरवाइज कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो वो चाय क्यों बनती है? क्योंकि हमको जो रेशियो है वो हम प्री डिटरमाइंड है, हमको पहले से पता है कि अगर एक कप चाय बनानी है तो उसमें लगभग एक चम्मच चीनी डालेगी या कुछ हाफ स्पून के अराउंड हम उसमें टी डालते हैं। ठीक है, टी पाउडर या जो भी आप यूज कर रहे हो वो डालते हैं, तो वो प्री डिटरमाइंड है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर में अगर आप बेस मटेरियल में प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड क्वांटिटी की इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो वहां पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन और पी में से कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एक्सट्रिंसिक होगा। अब वो एन होगा कि पी होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के हमने क्या देखा कि एक सेमीकंडक्टर जिसको डोपिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है या डोपिंग प्रोसेस के ऊपर किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाने के प्रोसेस को ही डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग करने के बाद हमारा सेमीकंडक्टर बना हुआ एक्सट्रिंसिक मटेरियल होगा या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। उसके बाद हमको अगर पी बनाना है या एन बनाना है
जो भी बनाना है उसको हम बना सकते हैं बाय एडिंग प्री डिटरमाइंड ऑफ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इंप्योरिटी, मतलब इंप्योरिटी की वो सही मात्रा जिसको बनाने जिसको ऐड करने से हमारे बेस मटेरियल में, हमारे बेस मटेरियल में हम एसिडिक मटेरियल बना सकते। अच्छा अब आता है कि एन टाइप मटेरियल, जैसे अभी हेडिंग चल रही थी एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये तो दोनों कॉमन पॉइंट से, अब एन टाइप पे आ जाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सी जो है सेमीकंडक्टर भी लिखा हुआ है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड बाय एडिंग इंप्योरिटी एलिमेंट दैट हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग अब तक पढ़ रहे थे कि हमारा जो सिलिकॉन था उसके आउटर मोस्ट में या वैलेंस शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे। 4 थे, वो क्या करता था, एक सिलिकॉन अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता था और ये बॉन्ड जो है बने रहते थे जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉन्ड जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और कंडक्शन में पार्ट। ठीक है, ये तो तब था जब सिलिकॉन था और सिलिकॉन सिलिकॉन से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा किसी इंप्यूरिटी को, और वो इंप्यूरिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या इसको हम पेंटावैलेंट भी कहते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके एग्जांपल हैं एंटीमोनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। इस इन तीनों में ही हमारे आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे हम इसको अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन जो कि प्योर है उसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद क्या होगा कि ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, 5वें इलेक्ट्रॉन के होने से क्या होगा कि अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे एक इंप्यूरिटी को ऐड किया, और इंप्यूरिटी हमने इसमें से कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो एंटीमोनी, आर्सेनिक या सिलिकॉन जो हमारा बेस मटेरियल है उसमें हमने एक एंटीमोनी को डाल दिया है, और इस एंटीमोनी को ऐड करने से क्या होगा कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज SI की तरह उसने एक दूसरे से बॉन्ड बना के शेयर किया, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटीमोनी, ये हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, ये 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंटीमोनी का, जो कि किसी भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो इंसर्टेड इंप्यूरिटी है ये एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हमको देगी जो कि कंडक्शन में पार्ट ले सकता है। और ओवरऑल अगर हम कंडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम ओवरऑल कंडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे लिए 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंडक्शन में पार्ट लेगा, और उसके अलावा इससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे स्ट्रक्चर में ऐड जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सिडिक बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डोपिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम पी टाइप या एन टाइप कोई सा भी सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए हमको प्री डिटरमाइंड इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी बेस मटेरियल में। जैसे हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि हमने SI का बेस लिया है और SI में हमने एक इंप्यूरिटी डाल दी है, अगर हमको यहाँ पे क्योंकि एन टाइप मटीरियल बनाना है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको एक इंप्यूरिटी चाहिए जिसके वैलेंस शेल में या जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। तो हमारे पास फिलहाल के लिए ऐसे 3 मटेरियल हैं, एंटीमोनी, आर्सेनिक या फास्फोरस, और भी कई सारे मटेरियल हैं, पर फिलहाल के लिए मैंने 3 लिखा है। ये क्या है, इनके आउटर मोस्ट ईच हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसके इसमें से एंटीमोनी हमने ले लिया, और एंटीमोनी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज SI की तरह, सेम टू सेम SI की तरह आउटर मोस्ट 4 SI से उन्होंने बॉन्ड बनाया, ये 5वां एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, और ये 5वें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से फायदा ये है, ये जो इंसर्टेड इंप्यूरिटी की वजह से जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, हमको एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन देगा जो कंडक्शन में हमारी
मदद करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एन टाइप मटेरियल बनाते हैं। अब आप देखो इसमें इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाएंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, तो उससे हम ऐसे टाइप मटेरियल को क्या कहेंगे, एन टाइप। अब इसको मैं थोड़ा और तोड़ और सिंपल भाषा में बताऊं तो आप ऐसे सोचो, कि मैंने यहां पे क्लास के लिए अनाउंस किया, मैंने यहां पे आपको बोला कि कल, या सपोज मैंने आपको 9 बजे बताया कि अभी 10 मिनट में क्लास है, आपकी क्लास होगी यहां पर। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यहां से 1 किलोमीटर दूर से आएंगे और कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी डोर पे खड़े हुए हैं, तो अगर मैंने क्लास अनाउंस की कि अभी से 10 मिनट बाद क्लास है, तो जो टाइम उस गेट पे खड़े हुए बच्चों को लगेगा अंदर एंटर होने में वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द वो बच्चे जो कि बहुत दूर से आ रहे हैं। होगा ऐसा, लगभग कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर भी होगा। क्यों? हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमको कंडक्शन कराना है, और हम चाहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन में पार्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और तब ये बॉन्ड टूटेंगे और टूटने के बाद फिर ये कंडक्शन में पार्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी फ्री है किसी भी कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए, इसको बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि एज कम्पेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इसका 1/10 या 1/50 या 1/100 बहुत कम एनर्जी चाहिए इसको कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं क्लास अनाउंस करूं तो क्लास के बाहर खड़े बच्चों को अंदर आके बैठने के लिए कुछ 5 मिनट का समय चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने घर से नहीं निकला है तो उसको ठीक ठाक टाइम लगेगा। सेम केस यहाँ पर भी है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इनको कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए अच्छी खासी एनर्जी, मतलब कुछ एक ठीक ठाक एनर्जी चाहिए कंडक्शन में पार्ट लेने के, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तब वो कंडक्शन में पार्ट लेंगे। लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी रेडी है किसी भी कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए, तो ऐसे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। अब इस सेम थ्योरी को हम लोग एनर्जी बैंड के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, पर अगर आप ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप आने वाले लेक्चर्स में जब हमें सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे हम लोग या मैग्नेटिक पढ़ेंगे और आपका एन टाइप और पी टाइप भी क्लियर नहीं है तो हम आगे डिस्कस नहीं कर सकते, या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर वही होगा कि आपने रटा और एग्जाम पास कर लिया पर एक कंसेप्चुअलाइज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वैलेंस बैंड है सपोज ये हमारा और ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक दूसरा भी लेवल होगा, तो यहाँ वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे एक नया लेवल बनेगा जिसका नाम है डोनर एनर्जी। ये अगर हमने बॉन्डिंग कर रखी है और अभी कोई कंडक्शन नहीं शुरू हुआ है तो सपोज हमारा कंडक्शन बैंड जो होगा ये एम्प्टी होगा और ये क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा नॉर्मल केस में, अगर सपोज ये एंटीमोनी नहीं होता, और यहाँ पर भी एक ऐसा ही लगा होता तो क्या होता, ये हमारा डोनर एनर्जी लेवल नहीं होता और क्या होता कि हमारे पास वैलेंस बैंड में ये सारे बॉन्ड्स पड़े रहते और जब ये बॉन्ड ब्रेक होते इनको कुछ एनर्जी मिलती, कितनी एनर्जी ईजी, और ये ईजी कितनी होगी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी, अगर हम एस आई की बात करें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी फॉर एस आई, ठीक है। तो जो ये अगर ये इस स्ट्रक्चर में हम एस बी को एक बार को भूल जाए और मान ले कि सारे एस आई है सिलिकन है तो सिलिकन के बॉन्ड बनेंगे और सिलिकन से अगर हमको कंडक्शन कराना है तो जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि कंडक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ईजी के बराबर, और अगर आपने उनको ईजी के बराबर एनर्जी दे दी
तो इसी के बराबर एनर्जी दे दी तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और एक बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। अगर पांच बॉन्ड टूटेंगे तो पांच होल्स और पांच इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने इस स्ट्रक्चर में जो कि वैलेंस बैंड हमारा भरा हुआ था, सारे बॉन्ड मतलब सारे बॉन्ड बने हुए थे, कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं था। अब हमने एनर्जी देना स्टार्ट किया। जब आप इसमें एनर्जी देंगे तो बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे। जब आप हमने सपोज पांच बॉन्ड ब्रेक हुए, तो अगर पांच बॉन्ड ब्रेक हुए तो क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पांच इलेक्ट्रॉन और पांच होल विल बी फॉर्म, मतलब पांच इलेक्ट्रॉन और पांच होल्स का फॉर्मेशन होगा। एक रफ आइडिया, एक जनरल आइडिया कि अगर पांच बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ होल्स का फॉर्मेशन होगा। होगा क्या कि वो जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में रुक जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स अब वहां से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, अब वहां से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और हमारे जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे। लेकिन और अब और उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड से अब किसी भी कंडक्शन में पार्ट ले सकेंगे, मतलब किसी भी अब हमको अगर करंट फ्लो करानी है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स में से करंट फ्लो कर सकेंगे। लेकिन अब तक अगर आप देखो तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर, ठीक है। लेकिन अगर हम SI को हटाकर SI को हमने हटा दिया और एंटीमनी को लगाया जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, तो अब क्या होगा कि पांच इसके आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन थे और एक पांचवा इलेक्ट्रॉन था, तो ये चार इलेक्ट्रॉन हैं वो तो यहीं पे रहेंगे, वो मतलब ये बॉन्ड जो है ये चार यहीं पे एग्जिस्ट करेंगे, और अगर ये बॉन्ड टूटेंगे तो चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और उसके सॉरी चार नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर और उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन में जाएंगे और बांट लेंगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पांचवा इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड से बंधा हुआ नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी हमारा डोनर एनर्जी लेवल पे बैठा रहेगा, डोनर एनर्जी लेवल पांचवा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा रहेगा। और जैसे ही हमने इसको एनर्जी देना शुरू किया, तो अब इसको आप सोचो कि इसको यहां से यहां तक लाने के लिए कम से कम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। लेकिन ये डोनर एनर्जी लेवल पर जो पांचवा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इस पांचवें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए या कंडक्शन बैंड में जाने के लिए केवल कितनी एनर्जी चाहिए, अराउंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए केवल 0.05 एनर्जी चाहिए। और इतनी एनर्जी बाकी वो क्या होगा कि डोनर एनर्जी लेवल से अब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो डोनर एनर्जी लेवल से अब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि सपोज यहां पर ये बॉन्ड भी टूट गए, तो इन बॉन्ड के टूटने से चार इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, चार इलेक्ट्रॉन मतलब ये बॉन्ड के टूटने से आए और इन्हीं बॉन्ड के टूटने से चार हमारे क्या बने, होल बने। अब होल कितने हैं, चार, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच। तो ऐसे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं और ऐसे हमारा कंडक्शन पॉसिबल, ठीक है। अब लगभग ऐसा ही प्रोसेस पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ होल्स जो है ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो वो आप लोग बुक से देखना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस है, बस वहां पे क्या करेंगे हम लोग बेस मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पेंटावेलेंट एटम को छोड़ के ट्राइवेलेंट एटम जिसके आउटर मोशन में तीन इलेक्ट्रॉन उनको ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ये जो चार बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब चार बॉन्ड बनते सिलिकॉन में देखते हैं, उसमें से एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, यहाँ पे एक होल का फॉर्मेशन होगा और ऐसे हमारे नंबर ऑफ होल्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम आने वाले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ेंगे कि हमने जो अभी तक एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है उनको ऐड करके हमने जो पहला डिवाइस
या जिस डिवाइस पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काम करना शुरू किया था पहला डिवाइस डायोड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे